चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। चुप हो जाओ, सुनना है तो सुनो, नहीं तो यहां से जाओ। यह वाक्य हम नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। अब हम विस्तार से बताएंगे कि क्यों और कब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विचार दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे एक चुनावी रैली में अपना आपा खो बैठे और गुस्से में चिल्लाने लगे। यह वीडियो आप एक बार देखिए। चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। रविवार को वायरल हुए इस वीडियो में शोर शराबा होने पर खड़गे को डांटते हुए देखा गया। फुटेज में खड़गे एक रैली में लोगों को सख्त लहजे में चुप करा रहे हैं और कहा है कि चुप बैठो, चुप रहो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरह से बात मत करो, आपको मालूम नहीं है जो ये मीटिंग चल रही है, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम बोलते जा रहे हो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपनी जगह जाओ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भरी रैली में आपा खोने के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी अपनी पार्टी अध्यक्ष को ही गंभीरता से नहीं लेते, ऐसे में देश उनकी बातों पर क्या ध्यान देगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रैली में अपना आपा खोया है, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वीडियो तेलंगाना का हो सकता है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं और रैलियां कर रही हैं। 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य की 119 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। कांग्रेस, बीआरएस सहित बीजेपी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। चुनाव नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर 2023 को होने की उम्मीद है, जिसके बाद वहाँ प्रत्याशी चुना जाएगा, जनता के द्वारा कोई एक उम्मीदवार चुना जाएगा। अब इस वीडियो पर जमकर ट्वीट्स आ रहे हैं। राजा बाबू नाम के एक अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि पहले भी बोलता रहा हूं, खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता को सिर्फ दिखावे के लिए अध्यक्ष का पद दिया गया है। राजस्थान में उनके साथ जो हुआ और उसके जितने भागीदार थे सब टिकट ले गए, कोई निर्णय लेता गांधी परिवार ही है, इनको सिर्फ दलित अध्यक्ष का तमगा मिला है, बस सीताराम केसरी जी याद आ गए, सत्ता में नहीं है तब इतनी गर्मी दिखा रहे हैं, सत्ता में हो तो पता नहीं कितनी गर्मी दिखा दे। अब एक प्रश्न तो यहाँ यह भी खड़ा होता है कि जो लोग इन लोगों को सत्ता में लाते हैं और उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या उचित है। यहाँ किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया जा रहा है, यहाँ केवल बात हो रही है इंसानियत की और उसके द्वारा किए गए व्यवहार की। किसी भी पार्टी को बनाने में जनता का सबसे बड़ा हाथ होता है और चुनावों के समय में यही नेता और मंत्री लोगों को पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं और जब इनकी सत्ता बन जाती है तो यही लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। किसी भी बात को बोलने का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है जिससे बात भी बोल दी जाए और किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन यह बात अपने गुस्से पर काबू रखने वाले खड़गे जी भूल गए। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना। बेवक्त सच। नमस्कार।